फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा यूजफुल आइडिया जिससे कि आप इस तरह के बेकार वेस्ट कपड़े या फिर सिलाई से बचे हुए कतरनों का इस्तेमाल करके घर में ही मैट्रेस या फिर फ्लोर सोफा बना के तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास ये वेस्ट कपड़े रखे हुए थे तो आज मैं इनका इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आपके पास वेस्ट कॉटन है या फिर जैसे सॉफ्ट टॉयज होते हैं या फिर पुराने पिलो होते हैं उनकी कॉटन भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। तो मैट्रेस फ्लोर सोफा बनाने के लिए आप कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी बेडशीट है या फिर साड़ी दुपट्टे हैं तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसमें आप लाइनिंग अटैच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पीसेस कट करेंगे, उसके लिए हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो पीस को हमने इस तरह से खोल के रख लिया है। तो आप मैट्रेस फ्लोर सोफा जो भी बना रहे हैं आप उसी के अकॉर्डिंग पीस कट करिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी जो है लेंथ लेंगे, तो लेंथ हम लेंगे 20 इंच और 20 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो विड्थ भी हम लेंगे 20 इंच और 20 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद अभी इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे और थिक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अच्छे से लाइन ड्रॉ कर ली है, अभी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इस पीस की कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने कर ली है और कुछ इस तरह का ये पीस हमारा रेडी हो गया है। अभी हम फिर से मार्किंग कर लेते हैं। तो 20 इंच लेंथ आ रही है और 20 इंच ही हमारी विड्थ है। तो इस तरह का 20x20 इंच का ये पीस हमने कट कर लिया है। इसी तरह के ये दो पीस हमने रेडी कर लिए हैं। तो फ्लोर सोफा मैट्रेस जो भी आप बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप पीस कट कर लीजिएगा। अगर मैट्रेस बनाना चाहते हैं तो आप लेंथ बढ़ा दीजिएगा बस। तो इस तरह के ये पीसेस हमने कट कर लिए हैं, अभी हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरह की हमने 4 पट्टियां कट कर ली हैं। तो विड्थ हमने रखी है 5 इंच, आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 इंच विड्थ रखी है और लेंथ हमने 20 इंच ही रखी है। तो इस तरह की ये 4 पट्टियां हमने कट कर ली हैं। अभी हमें इन पट्टियों को मेन पीस में अटैच करना है। तो मेन पीस को हम इस तरह से रख लेंगे और जो हमने पट्टियां कट की हैं उनको हम इस तरह से चारों तरफ इस तरह से पट्टियों को रख लेंगे। तो सीधी साइड हमें अंदर की साइड रखनी है। इस तरह से पट्टियों को रखते हुए चारों तरफ पट्टियों को हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से सीधी साइड हम अंदर की साइड रखेंगे इस तरह से और सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर्स को भी हम ज्वाइन कर लेंगे और इस तरह से हम पट्टी को जो है मेन पीस में अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से पट्टियों को रखते हुए हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पट्टी को जो है अटैच कर लिया है। तो इस तरह से अगर आप पट्टी को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो पहले आप पट्टियों को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद मेन पीस में अटैच कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने पट्टी को जो है मेन पीस में अटैच कर लिया है। तो अभी जो सेकंड पार्ट है हमारा उसको भी हम इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे और इस तरह से बराबर रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। चाहे तो आप पहले पिनअप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम तीनों साइड इसमें सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। और ये खुली वाली साइड आप देख रहे हैं इसमें हमें हाफ हाफ में ही सिलाई लगानी है। तो पहले हम निशान लगा लेते हैं। तो हमारा जो ये ऊपर वाला पीस है इसमें हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे, इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और दूसरे वाले कॉर्नर्स पे भी इसी तरह से 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो अभी ये जो निशान हमने लगाए हैं इसी तरह से हम नीचे वाली जो पट्टी है इसमें भी हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो दोनों ही साइड हमने निशान लगा लिए हैं, अभी हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों पीसेस को पकड़ेंगे और जहां पे हमने निशान लगाया वहीं से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से
यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। तो जहाँ पे हमने निशान लगाया वहीं से सिलाई लगाते हुए दूसरे निशान तक सिलाई लगा ली है। तो अभी हमें इसमें जिप अटैच करनी है। तो ये हमारी ओपन वाली साइड है, यहीं पे हम जिप अटैच करेंगे। तो ये हमने लिए जिप, इसकी जो लेंथ है वो हमने 20 इंच रखी है। तो इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे, फिर सिलाई लगा लेंगे, फिर हम इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो दोनों साइड इसी तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जिप को भी इसमें अटैच कर लिया है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसान तरीके से जिप को अटैच कर सकते हैं। तो ये जिप हमारी अटैच हो चुकी है और पीस भी हमारा रेडी हो गया है। फ्लोर सोफा मैट्रेस जो भी आप बनाना चाहते हैं जिप को आप इसी तरह से अटैच कर लीजिएगा। तो अभी हमें इसको फिल करना है। तो फिल करने के लिए अगर आपके पास वेस्ट कपड़े हैं तो आप उनको भी इसमें फिल कर सकते हैं, या फिर सिलाई से बचे हुए जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके वो भी फिल कर सकते हैं। हमें इसमें कॉटन फिल करनी है। तो ये जो कॉटन है ये रजाई वाली कॉटन नहीं है, ये हमारे जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं उनमें जो कॉटन होती है वो वाली कॉटन है। ये नीचे दबती नहीं है। अगर हम फ्लोर सोफ़ा या फिर मैट्रेस बनाते हैं तो उसमें इस तरह की कॉटन जो हम फिल करेंगे तो वो बिल्कुल भी दबेगी नहीं। अच्छे से दबा दबा के हम इसको फिल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इसको फिल कर लिया है। तो इस तरह से अभी हम जिप को बंद कर देंगे। पिलोज वगैरह में जो कॉटन होती है उसको हम इस तरह से मैट्रेस या फिर फ्लोर सोफ़े में अगर फिल करते हैं तो हमारा जो मैट्रेस या फिर फ्लोर सोफ़ा है वो भी बिल्कुल हल्का बन के रेडी होगा और नीचे की साइड ये बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। तो इस तरह से आप वेस्ट जो कॉटन होती है उसको भी रीयूज़ करके इस तरह से फ्लोर सोफ़ा या फिर मैट्रेस बना के रेडी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना लाइट वेट है ये, इसको आप इधर उधर कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। तो फाइनल जो हमारा पीस रेडी हुआ है वो देख लेते हैं। तो लेंथ आप देख सकते हैं 19.5 इंच और इधर से भी 19.5 इंच इधर से आ रही है। अगर आप मैट्रेस बना रहे हैं तो आप इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितनी भी साइज का आपको मैट्रेस बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ रख सकते हैं। मैट्रेस की विड्थ भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 20 इंच भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसान तरीके से घर में ही फ्लोर सोफ़ा मैट्रेस बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह आप बेकार वेस्ट कपड़े, सिलाई से बची हुई कतरनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वेस्ट कॉटन है अगर आपके पास तो वो भी आप इस तरह से इस्तेमाल करके घर में ही मैट्रेस या फिर फ्लोर सोफ़ा बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैट्रेस और फ्लोर सोफे के लिए अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो मैट्रेस फ्लोर सोफा बनाने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है। इस तरह से आप घर में ही मैट्रेस या फिर फ्लोर सोफा बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये फ्री का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह की और भी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।